लगनिया को नगारे विसा। सोलन के HRTC वर्कशॉप में तकनीकी कर्मचारी के तौर पर कार्यरत सिरमौर जिला से संबंध रखने वाले प्रकाश ठाकुर एक अच्छे गायक भी हैं, जहां वे दिन भर HRTC बसों की मरम्मत करके बसों को सही करने का कार्य करते हैं। वहीं फुर्सत के समय में वे गाने गाते हैं और उनके अब तक बाजार में 4 गाने आ चुके हैं। अपना 5वां गाना उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। उन्होंने बताया कि फुर्सत के क्षणों में वे गायकी के शौक को पूरा करते हैं और दिन भर अपनी नौकरी पर रहते हैं। आपको बता दें कि यह शख्स सोलन HRTC वर्कशॉप में तैनात हैं और यहां पर बसों की मरम्मत का कार्य करते हैं। नमस्कार, मैं उत्तराखंड और हिमाचली लोग गायक ठाकुर प्रकाश सुनाई। मैं बेसिकली शिलाई क्षेत्र कपोटा के छोटे से गांव पुभार का रहने वाला हूं और मैं हिमाचल पथ परिवहन सोलन डिपो में एज ए टेक्निकल पद पर कार्यरत हूं और मैं पिछले 6-7 सालों से HRTC संस्था में काम कर रहा हूं। तो प्रकाश, कौन कौन सी तक नाट्य निकाले और कैसे आपका इस जो नाट्य की ओर है, गाने की ओर जो आपका रुझाव लगा? सर, जो इससे पहले मैंने अपने ही यूट्यूब चैनल TPS पर सिरमौर का जो ऐतिहासिक हमारी हारूले होती है उस चीज़ को दर्शाया हुआ है, अपने सिरमौर की संस्कृति को दर्शाया हुआ है और सिरमौर की जो संस्कृति मतलब बनी रहे तो उसके ऊपर हमने थोड़ा सा गाने गाए हुए हैं, जिसको हमारे सिरमौर भाषा में हारूले बोलते हैं। तो ऐतिहासिक गानों को मैंने दर्शाया है अपने ही यूट्यूब चैनल TPS पर। गाने की और रुचि मेरी बस तो बचपन से ही रही है और स्कूल टाइम से, और जो मेरे स्कूल टाइम से इंस्पिरेशन रह चुके हैं तो हमारे हिमाचल के सुप्रसिद्ध कलाकार श्री कृष्ण लाल सहगल जी, उनके गाने को उनसे प्रेरित होकर तो हमने आगे अपनी भी संगीत की और रुचि बढ़ाई और जॉब को देखते हुए थोड़ा सा टाइम निकाल के अब जाके मैं संगीत के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रहा हूँ। और अभी तक से पहले 4-5 गाने मैं कर चुका हूँ और ये मेरा 5वां गाना है जो मैंने अभी इसको अपने ही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल TPS पर लॉन्च कर चुका हूँ और ये मेरा 5वां गाना है नाटी बीट्स 2022 के नाम से, जिसपे म्यूजिक दिया है हिमाचल के सुप्रसिद्ध संगीतकार राजेश गंधर्व और नवीन नेगी द्वारा, और इस गीत को लिखा है मेरे छोटे भाई अंकित चौहान ने और इस पे जो मॉडल रोल पे लड़की रही है शिवानी ठाकुर कोटखाई से। तो ऐसे ऐसे करके इस गाने का जो मेरा जो मेन रोल है, तो हम पीछे अभी उत्तराखंड शादी में गए थे तो शादी समारोह में हमने देखा कि मतलब जौनसार की जो छोरी है, लड़की है, जो नाचते हुए झूम झूम के नाच रही थी, तो मेरा उसके ऊपर एक थीम बन गया कि भाई जौन सारी छोरी लागी नाच थी जो घूम घूम के नाच रही थी, तो मेरा गाने के वो उनके ऊपर थीम बन गया और इसी के ऊपर मैंने ये गाना अपना बनाया और इसको YouTube पर लॉन्च कर दिया। ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्या कर रहा है, गाने गा रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके गाने शेयर करें और दूसरों को दिखाएं, अपने आप खुद देखें।